चैनल का नाम क्या है? ट्रैवलर कनक, के ए एन ए के। अभी तो फिलहाल यही मैंने चेक किया है। गाइस, हम लोग हैं अभी दशाश्वमेध घाट रोड पे, और इस जगह पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि अभी जस्ट दशाश्वमेध घाट से आरती ख़त्म हुई है और भीड़ भाड़ ज़्यादा होने का मेन कारण यही है। और ये मार्केट आप देख सकते हो, काफ़ी ही मतलब भीड़ भाड़ वाला है। आप तो मेरे बैकग्राउंड में भी लोगों को देख सकते हो। ट्रैवलर कनक कनक मीन सोना चांदी, कनक या। तो गाइज, मैं अभी घूम रहा हूँ और मोहतरमा पूछ रही थी चैनल का नाम। स्टडे को मैंने शूट किया था आरती, अब जो है सो मैं आपको मार्केट से रूबरू कराता हूँ, क्योंकि ये मार्केट भी बहुत अच्छा है। ये बताइए कि ये जगह जो है वो कौन सा है? ये जगह गिरजाघर के बीच में है। गिरजाघर में, इस रोड को क्या बोलते हैं? इस रोड को गिरजाघर बोला जाता है। अच्छा, गिरजाघर। अब कब से बेच रहे हैं ये सब सामान? ये कम से कम 6-7 साल से बेच रहे हैं। 7 साल से बेच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम पड़ेगा रुस्तम शेख। रुस्तम शेख, हाँ। अच्छा, तो ये जो जगह है ना, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना चाहता है? वाराणसी, ये ज़्यादा जगह के फेमस है। यहाँ पे काशी विश्वनाथ जगह पे, यहाँ पे मेरे पास बहुत सा आइटम है। ये देखिए, ये है और ये है और ये है, माला है, बहुत चीज है मेरे पास। तो यहाँ पे इस टाइप पे गाइज, ऐसे मतलब जो लोग बेचते हैं ना, उनका भी आप सहायता किया करो। जब वाराणसी आते हो तो इनसे भी सामान खरीदा करो, दुकान छोड़ के। हालांकि तो मैंने सुना है कि दुकान से ज़्यादा इन लोगों की चलती है। तो पता नहीं ये क्या सही बात है, दुकानदार सब बोलते हैं ये। दुकानदार लोग हटाते हैं, भगाते हैं कि यहाँ हट जाओ, इधर जाओ, इधर मत जाओ। वो भगाते हैं सब लोग। नहीं यार, थोड़ा इन लोगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि दुकान तो जिनका उनका चलता ही है। जो लोग ऐसे बुलते चलते अपने सामान को बेचते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, उन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो जगह है यहाँ पे, एक्चुअली में एक गिरजाघर भी है, चाट का भंडार भी है यहाँ पे, उसका नाम है काशी चाट भंडार। यू कैन सी बिहाइंड मी काशी चाट भंडार। एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं टेस्ट क्या है, ये तो मैं बता नहीं सकता बिना खाए पिए। तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। टमाटर चाट, आलू टिक्की, ये टमाटर चाट, और ये आ गई है टमाटर चाट। और इसका जो पैसे है ना, 50 रुपये पे करने होंगे आपको इसको खाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों साइड पूरा भीड़ है और सारे लोग चाट का ही शायद मजा ले रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और मैं हूँ ट्रैवलर कनक। अच्छा, आप लोग चाट यहाँ पे करते हो, आप लोग लोकल हैं यहाँ के? लोकल है। तो ये मतलब क्या, मतलब फेवरेट है इस जगह का, फेमस है? फेमस है। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब सिर्फ चाट या कुछ उसमें भी स्पेशल कुछ? पालक चाट। गाइस, ये जो जगह है ना, फेमस है पालक चाट के लिए। और ये जो मोहतरमा सब खा रही हैं, तो लोकल हैं, तो इनसे जो हमें मिल पा रहा है रिपोर्ट इस जगह के बारे में, एक्चुअली में रिव्यू, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा है काशी चाट। अच्छा, ये जो रोड है, ये इसका नाम ये कलिया चौक, तो ये प्रॉपर कुछ रोड का नाम होगा ना? गोदलिया चौराहा। अच्छा, ये गोदलिया चौराहा पे काशी चाट है, जो कि मैंने दिखा दिया। और आप तो सब मतलब लोकल यहीं के ही हैं? अच्छा, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस? व्हाट इज योर गुड नेम? सौम्या। ओके, बाय द वे आई एम ट्रैवलर कनक, और मैं जो हूँ तो ब्लॉग बनाता हूँ फूड एंड ट्रैवल। थैंक यू, आई एम फ्रॉम बिहार।
बिहार नियर बोध गया राजगीर। आप लोग वहाँ नेटिव वही है क्या? सासाराम। सासाराम से हो? अच्छा, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ बेसिकली, मगध। मैं वहीं से हूँ। तो आप लोग यहीं पे बहुत दिनों से हो गए हो ना? 10-15 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा, अब क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन। अच्छा, क्या बिजनेस क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर है, रोड वगैरह का या फिर? रोड। रोड का ही। अच्छा अच्छा, तो आप बहुत दिनों से बस गए यहाँ पे आके? आपके आप खुद बसे यहाँ पे? फादर भी थे। अच्छा, फादर भी थे। तो गाइज ये है वाइब यहाँ पे काशी चाट का, और इन लोगों से भी रिव्यू मिला है कि काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप बनारस आओ तो इस जगह का काशी नगरी का चाट भी खाओ। और धन्यवाद इन लोगों का भी कि इन लोग जो है सो रिव्यू भी कर पाए, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था ये जगह के बारे में। ये लोकल हैं तो ये काफ़ी अच्छा जो है सो लगा मुझे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। ट्रैवलर कनक KANAK। गाइस मैं खा रहा हूँ अभी और देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। टमाटर चाट वाकई काफी अच्छा है इस जगह का। कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 4 स्टार। 4 स्टार। 5 में 4? 4 या 5 में 4? 5 में 4। आपका? मेरा 4.5। 5 में 4.5? 4.5। इनका है टोमेटो चाट और इनका है टिक्की चाट। गाइस ये काशी नगरी में आपको कुल्हड़ में चाट भी खाने को मिलेगा, अभी तो फिलहाल यही मैंने चेक किया है। तो गाइस जब तक मैं इसको खाता हूँ, हाय गाइस, चाट खाने के बाद मिले हैं कुछ ब्लॉगर भाई और ब्लॉगर एवलेज भाई। तो ये दोनों जो है सो मिले अचानक से, ये भी ब्लॉगर हैं और ये हिंदुओं के पवित्र धरती वाराणसी से हैं, काशी महादेव की नगरी काशी। आपका स्वागत है। और ये सब मिले। अच्छा ये बताएं कि ये जो जगह है और ये जो चाट भंडार है तो ये तो काफी नामी है ना? काफी नामी है, और जो आप जहाँ जिस जगह पे खड़े हो ना वो एक बनारस का मेन हब है। ओके। ये हमेशा मतलब हर जगह से आपको कनेक्ट करेगा। सारे रोड गदौलिया गदौलिया नई सड़क चौराहा, ये हमेशा हर जगह आपको हर रास्तों से कनेक्ट करेगा, इसलिए इसे बनारस का हब कहा जाता है। एज ए ब्लॉगर यस, आप क्या फील करते हो, क्या ये अच्छा वर्क है आपको, कैसे ये मोटिवेट करता है ब्लॉगिंग? एक्चुअल मैं ये मेरा ब्लॉगर ऐसे एक मैं ट्रीट काम करता ट्रीट नहीं करता हूँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं इसे पार्ट ऑफ लाइफ में जीता हूँ, नॉट टिल कि ये मेरा वर्क स्पेस है, मैं इसे काम की तरह नहीं समझता हूँ, ये मेरा प्यार है और मुझे अच्छा लगता है ये करना। तब मैं करता हूँ, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके एक मेमोरीज बनाता हूँ उस बाकी सारे लोगों के लिए। अच्छा, जो आपको मोटिवेशन मिला यूट्यूब पे आने का या ब्लॉगिंग करने का, वो किन से मिला? खुद। अच्छा ठीक है गाइज, ये जो ब्लॉगिंग करते हैं ना इनको मोटिवेशन खुद से मिला है, और ऐसे ज़्यादातर लोग को होता है ना कि किन्हीं का वीडियो को फॉलो करते हैं तो वो मतलब ब्लॉग में आ जाते हैं। एक्चुअल मैं आपकी जानकारी बता दूँ, अगर खुद से की गई काम का एक्सपीरियंस और काम का जो आपको अनुभव मिलेगा ना, वो खुद का एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत होगा, किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद तरीके से तैयार कर सकते हो। अच्छा, आप अपने चैनल के बारे में बता दें या और नाम भी बता दें? मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर व्यू ब्लॉग, और आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, अभी स्टार्टअप चैनल है। तो मैं पहले जो कॉन्टेंट बनाता था वो डेली बेसिस पर बनाता था जैसे लोग बनाते हैं, लेकिन अब स्टोरी लाइन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ में है निगम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, ये भी हमारे साथ राइड करते हैं, और अचानक से मिलके इन लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और एक्चुअली तो ब्लॉगर जो होते हैं ना आपस में बहुत कनेक्ट भी कर पाते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। और अचानक से हम लोग मिले और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आए हुए हैं बिहार से। एक्चुअली ये तो बनारसी बाबू हैं ही, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मजा आ रहा है, एंड कीप द सपोर्ट दिस चैनल आल्सो। एंड अब हम लोग मिल चुके हैं तो कुछ अच्छा और कुछ नया तरीका करने की कोशिश करेंगे, और आप सबको एंटरटेनमेंट और एक्सप्लोर से भरने की कोशिश करेंगे। गाइस मैं हूं ट्रैवलर कनक और एक्सप्लोर ब्लॉग्स
निगम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। विदा लेता हूँ बनारस की गलियों से, और फिर मिलूंगा कल किसी टाइम घाट या बनारस की गलियों में। बाय।